अमेरिका में महिलाएं रैलियां निकालकर विरोध कर रही है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के सामने भी प्रदर्शन किया गया। न्यूयॉर्क के फॉली स्क्वायर पर हजारों लोगों ने नारेबाजी की, सड़क पर जाम लगा दिया गया। लॉस एंजलिस में तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत भी हो गई। आखिर अमेरिका में इन दिनों ये सब हो क्यों रहा है, क्या है वजह, हम आपको बताते हैं। अमेरिका में गर्भपात कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मसौदा लीक होने से हंगामा हो रहा है। खबर है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट गर्भपात के संवैधानिक अधिकार से जुड़े 50 साल पुराने अपने फैसले को पलट सकता है, जिसको लेकर बवाल हो रहा है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि गर्भपात कराना है या नहीं ये तय करना महिला का अधिकार है। ये फैसला नॉर्मा मैककॉर्बी नाम की महिला की अर्जी पर आया था। वो टेक्सा में रहती थी, जहां गर्भपात असंवैधानिक है। अदालती कार्यवाही में उनको ही जेनरो नाम दिया गया है। अब खबर है कि सुप्रीम कोर्ट 1973 के अपने फैसले को पलट देगा, जिसमें गर्भपात को वैध ठहराया गया था। यानी इस फैसले के बाद अमेरिका में गर्भपात कराना गैर कानूनी हो जाएगा। 1973 के फैसले को रो वर्सेस वेड के नाम से जाना जाता है। लोग गर्भपात के फैसले को पलटने के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट रो बनाम वेड फैसले को पलटता है तो भी सभी राज्यों में गर्भपात एकदम से गैर कानूनी नहीं होगा। राज्य तय करेंगे कि वे इसे कानूनी बनाते हैं या नहीं। आशंका ये है कि अलबामा, जॉर्जिया, इंडियाना समेत अमेरिका के 24 राज्य गर्भपात बैन करने वाले हैं। कोर्ट के फैसले के बाद तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।